हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग और एक टॉपिक्स में पास में आएंगे। हम लोग का सिलेबस का आंसर ने हम लोग कुछ डेफिनेशंस है, देन वी विल सी द डेफिनेशंस। व्हाट इज बाईपास फैक्टर, व्हाट इज अपरेटस ड्यू पॉइंट, व्हाट इज सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हाट इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हाट इज ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हाट इज इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर। सो दीज आर द डेफिनेशंस। जस्ट वी नो एज पर आवर डिप्लोमा स्टैंडर्ड्स वी नो द डेफिनेशंस, दैट इज सफिशियंट फॉर अस। So then we go for the detailed description of the definitions. So first one is bypass factor. So what is bypass factor? And under ideal conditions, the dry bulb temperature of air leaving the apparatus D2T should be equal to the TD3, but it is not so because of the inefficiency of the coil. So the phenomena is known as a bypass factor. It is briefly written as a BPF. The term 1 minus BPF is known as a efficiency of the coil. Another name is contact factor. So let us discuss what is bypass factor. We will discuss. Suppose ने हमने sensible heating में पढ़ा, sensible cooling में भी हम लोग discuss किया है, तो क्या होगा जब हमारा air inlet होते हैं, जब हमारा air outlet हो जाता है, हमारा heating coil हो, कितना भी हमारा cooling coil भी हो, उसका जितना temperature हो सेम एज वेल एज हमारा आउटलेट टेम्परेचर भी होना चाहिए, बट दिस केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, बट इट इज नॉट सो बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉयल। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ए बाईपास फैक्टर। ये ऐसा नहीं होते है, मे बी टेम्परेचर कॉयल टेम्परेचर ज्यादा रहता है, आउटलेट टेम्परेचर कम रहता है ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारा आउटलेट टेम्परेचर ज्यादा रहता है, कूलिंग कॉयल टेम्परेचर लो रहता है। सो इस फिनोमिना को हमने कहते हैं बाईपास फैक्टर। हमने ऑलरेडी हम लोग स्टडी किया है बाईपास फैक्टर को फाइंड आउट करने में, सेंसिबल हीटिंग में और सेंसिबल कूलिंग में भी हम लोग ने फाइंड आउट किया बाईपास फैक्टर को। सर 1 माइनस बाईपास फैक्टर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द कॉयल, इधर हीटिंग कॉयल हो इधर कूलिंग कॉयल। द अदर नेम ऑफ द बाईपास फैक्टर इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फैक्टर। लास्ट ईयर हमने SBTE क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज कॉन्टैक्ट फैक्टर, व्हाट इज अपरेटस ड्यू पॉइंट। सो प्लीज रिमेंबर द स्टूडेंट्स, द बाईपास फैक्टर वी कॉल्ड एज ए कॉन्टैक्ट फैक्टर। सो नेक्स्ट वी गो फॉर ADP। व्हाट इज ADP? अपरेटस ड्यू पॉइंट। इन ए कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द टेम्परेचर एट विच द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन इंटरसेक्ट द सैचुरेशन कर्व इज कॉल्ड एज ए रूम अपरेटस ड्यू पॉइंट। So the another definition is the effective surface temperature of the coil is known as a apparatus ड्यू पॉइंट, ब्रीफली ट्रीटेड एज ADP. सो इन कूलिंग एंड डिमोडिफिकेशन प्रोसेस वी विल सी द लिटिल लिटिल वी विल सी ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। सो इफ यू सी साइक्रोमेट्रिक चार्ट, इट इज अ सेंसिबल हीट फैक्टर। सपोज लेट अस स्टार्ट अवर प्रोसेस इज लेट अस वन, राइट, लेट अस वन दैट इज प्रोसेस वन टू ए, इट इज अ डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, एंड ए टू टू इट इज ए हमारा कूलिंग प्रोसेस। So then when we will the sensible factor means actually if the process will be end up to saturation curve, but it is practically not possible due to the inefficiency of the coil, the process will be end up to 2. So if this line will intersect with the saturation curve, that it will gives an ADP, that it will gives that we will give say ADP, otherwise we will call as a apparatus dew point। हमने बोल सकते हैं ADP करके भी हमने इसको mention कर सकते हैं। So ये this is ADP, right? Next we will go for sensible heat factor। So already what is sensible heat factor? It is the ratio of sensible heat to the total heat, means sensible heat by total heat. Sensible heat factor means sensible heat by total heat. What is sensible heat by sensible heat by less
लेटेंट हीट. वी नो दैट व्हाट इज सेंसिबल हीट एंड व्हाट इज लेटेंट हीट. सेंसिबल हीटिंग मींस इफ हीट सप्लाई करते अगर हीट रिजेक्ट करते हैं सो दैट इज हैव अ सेंसिबल हीट. टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से अगर 30 डिग्री में चला गया है दैट इज अ सेंसिबल हीट. सपोज 30 डिग्री से हमारा 20 डिग्री के पास में रिड्यूस हो गया है सो दैट इज अ सेंसिबल. व्हाट इज लेटेंट हीट, इट इज अ फेज चेंज. मे बी आइस से हमारा जो है वाटर में बन सकता है. सो वाटर हमारा वेपर कंटेंट में बन सकता है. ये जो चीज फेस चेंज हो जाता है इसको हमने लेटेंट हीट करके भी हम लोग ने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं. सो दिस इज सेंसिबल हीट फैक्टर. व्हाट इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. व्हाट इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हीट टू द रूम टोटल हीट. So, रूम के लिए हम बात करते हैं इसके लिए रूम सेंसिबल हीट फैक्टर है. सो अगर हम हॉल्स के लिए बात कर सकते हैं नहीं वो तो हमने कोई ऑडिटोरियम के लिए बात करते हैं हमने ऑडिटोरियम सेंसिबल हीट फैक्टर करके भी हमने कह सकते हैं. सो व्हाट इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, रूम सेंसिबल हीट बाय रूम टोटल हीट. रूम टोटल हीट मतलब रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट. सो ये है हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, राइट. रूम सेंसिबल हीट फैक्टर माने सनलाइट से भी आ सकता है, फैन से भी आ सकता है, लाइट से भी आ सकता है, अंदर में कुकिंग करते हैं उसका भी हो सकता है. लेटेंट हीट मींस कोई भी फेस चेंज हो सकते हैं. सपोज स्टीम है, वाटर से हमारा चेंज हो गया वेपर कंटेंट में, दैट इज लेटेंट हीट. लाइक दिस होगा हमने उसको डिवाइडिंग करते हैं, राइट. सो नेक्स्ट वी गो फॉर ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर. व्हाट इज ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट टू द ग्रैंड टोटल हीट करके हमने कह सकते हैं, राइट. सो व्हाट इज ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर एंड ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, रूम सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट. सो जहां पे कोई भी एयर कंडीशनिंग प्रोसेस हो हमने एयर बाहर से भी रूम का अंदर में एंट्री होते हैं सो उसका सेंसिबल हीट कितना है उसका ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट व्हाट इज रूम सेंसिबल प्लस ओएसएस मींस टोटल सेंसिबल हीट हो सकता है. ये टोटल हमारा लेटेंट हीट होते हैं मींस ओएसएच मींस हमारा आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ओएलएच मींस हमारा वो आउटसाइड एयर लेटेंट हीट करके हमने इसको बोलते हैं. इट इज ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर. नेक्स्ट इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर टू द इफेक्टिव रूम टोटल हीट. व्हाट इज इफेक्टिव रूम टोटल हीट, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट. सो राइट दिस इज एन इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. सो वी विल कैलकुलेट ERSH लाइक दिस. RSH मींस रूम सेंसिबल फैक्टर प्लस OSH मींस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट इनटू बाईपास फैक्टर. ERLH इट मींस RLH प्लस OLH इनटू बाईपास फैक्टर. सो आउटसाइड एयर लेटेंट हीट, आउटसाइड सेंसिबल हीट करके हम लोग इसको कह सकते. सो हम लोग ये ग्राफ को थ्रू हम लोग देख सकेंगे इसको कैसा हम लोग बना सके, राइट. इसको हम लोग ने कैसा बना सके. सो लेट अस दिस इज अवर साइक्रोमेट्रिक चार्ट. सो द एयर एंटर्स इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम दैट पॉइंट इज वो दैट एंड्स the line ends up to P. So this line we will called as a grand sensible heat line. इसको कह सकते हैं maybe cooling process. Maybe it is a cooling process. Cooling coil यहाँ पे लगा हुआ है, ये cool हो रहा है हमारा. So it is in a grand sensible heat line. So next we will go for, so this हमारा P से लेके हमारा आई तक मींस यहां पे हमारा कूलिंग कॉइल हो गया, देन रूम में हमारा एंट्री हो रहा है अप टू आई. सो वी विल कॉल्ड एज ए रूम सेंसिबल हीट लाइन करके हमने इसको कहते हैं. सपोज जनरली ये हमारा GSHL लाइन था, ये अगर सैचुरेशन कर्व को टच कर लिया है, सो वी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड ADP बारे में हमने पढ़ा है. अगर इंटरसेक्ट कर लेते हैं सैचुरेशन कर्व को हमने ADP करके इसको खा सकते हैं, राइट. हमने जस्ट ये ADP लाइन जहां पे हमारा सैचुरेशन कर्व को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट से लेके हमारा RSHL मींस रूम सेंसिबल हीटिंग जो एंडिंग हो रहा है आई का जगह में अगर हमने ज्वाइनिंग कर देते हैं देन दैट लाइन विल गिव एन इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लाइन, राइट. दिस इज एन एंड मेन मेजर थिंग इज
वो टू आई. सो द मेजर थिंग इज वो टू आई करके हम लोग चलते हैं, लेकिन द प्रोसेस विल हैपन लाइक दिस. द प्रोसेस विल बी हैपन लाइक दिस. द मेन मेन थिंग इज वो टू आई. दिस इज एन ए साइक्रोमेट्रिक. बाई यूजिंग ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी नो द हीट लाइन्स लाइक एज ए GSHL, ESHL, RSHL, ADP एंड द सेंसिबल हीट फैक्टर लाइक दिस. सो this is about the definitions of bypass factor, ADP, sensible heat factor, grand and then room sensible heat factor and effective sensible heat factors. So these are the things we discussed in this chapter. So thank you so much.